अगर आप भी सोनीपत के अंदर प्लॉट देख रहे हैं तो हीरो ग्रुप आप सबके लिए लेके आए हैं सोनीपत सेक्टर 33 के अंदर प्लॉट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। मैं आपके लिए कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज मैं हूँ सोनीपत सेक्टर 33 में हीरो के ऑफिस में बैठा हूँ एंड आपके लिए एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। प्लॉट से रिलेटेड ये पूरी वीडियो रहने वाली है। सेक्टर 33 के अंदर एक और न्यू बिल्डर की एंट्री हो चुकी है। बात करेंगे हीरो ग्रुप की, तो हीरो ग्रुप 6 एकड़ की टाउनशिप लेकर आए हैं सोनीपत सेक्टर 33 के अंदर। सबसे पहले मैं थोड़ी कनेक्टिविटी की बात करता हूँ कि लोकेशन कहाँ पे पड़ेगी। तो ये जो लोकेशन रहने वाली है, ये जब आप दिल्ली से आएंगे तो एग्ज़िट नंबर 7 से जब आप एग्ज़िट लेंगे झज्जर जाने के लिए, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर जब आप लेफ़्ट लेंगे तो आगे जाके हीरो की साइट आती है आपकी। सेक्टर 33 लगता है नियर राठ धाना विलेज, वहाँ पे हीरो ग्रुप अपनी 6 एकड़ की टाउनशिप लेकर आए हैं जिसके अंदर 99 प्लॉट्स हैं। और जो टाउनशिप रहने वाली है, दीनदयाल जन आवास योजना की टाउनशिप रहने वाली है। और इसमें जो मोस्टली प्लॉट्स हैं वो नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग के प्लॉट्स हैं। एंड आप जानते हैं कि जो क्लाइंट की सबसे पहली पसंद होती है, इन्वेस्टर्स की जो पहली पसंद होती है, वो नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग के प्लॉट्स की ज़्यादा पसंद होती है। तो ये जो रहने वाले हैं ये प्लॉट्स, ये नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग के मोस्टली प्लॉट्स इनके पास हैं। इंटरनल अगर रोड्स की बात करूं तो इस टाउनशिप में जो रोड्स अंदर के रहेंगे वो 9 मीटर के रोड्स रहेंगे। आपको 2 एंट्री एग्जिट मिलते हैं। एक एंट्री आपकी 24 मीटर रोड से रहेगी जो मेन एंट्री होगी, और एक पीछे गांव की साइड से आपको एंट्री रहेगी जो कि 12 मीटर की आपकी एंट्री रहेगी। थोड़ा सा और हीरो ग्रुप के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो गुड़गांव में कई बड़ी बड़ी डिलीवरीज देने के बाद ये सोनीपत में फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 6 एकड़ इतनी छोटी लैंड के अंदर आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ से आए हैं। कोई भी बिल्डर अगर किसी एरिया में जाता है फर्स्ट टाइम, तो एकदम से बड़े लैंड पैच में नहीं जाता है। वो सबसे पहले छोटा लैंड पैच परचेज करता है एंड वहाँ पे रिव्यू देखता है कि कैसा वहाँ का रिव्यू रहने वाला है। तो फर्स्ट टाइम सोनीपत के अंदर हीरो ग्रुप आए हैं, तो इसलिए छोटी टाउनशिप लेकर आए हैं रिव्यू देखने के लिए कि क्या रिव्यू रहता है। काफ़ी अच्छा रिव्यू निकल के आया है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इनके पास कम पड़ गई है। 2 महीने के अंदर अपने 70 प्लॉट्स ये सोल्ड कर चुके हैं। अभी जो लिमिटेड इन्वेंट्री इनका बची हुई है, लगभग 20 से 25 प्लॉट्स इनके पास अवेलेबल हैं, जो कि अगर उसके साइजेस की बात करूं तो 176 गज से लेकर और 179 गज तक के ही प्लॉट्स इनके पास अवेलेबल हैं। अगर आप 150 से लेकर 180 गज तक के प्लॉट देख रहे हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी 124 से स्टार्ट थे और 179 गज तक के प्लॉट्स थे। बाकी छोटी इन्वेंट्रीज अभी मेरे पास कोई भी अवेलेबल है नहीं। और क्यों इस प्रोजेक्ट खास रहेगा और सोनीपत में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। बेसिकली कुछ बताना चाहूँगा कि जब आप किसी बिल्डर के साथ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे एल्डिगो हो या फिर गोदरेज हो, कोई भी बड़े बिल्डर के साथ आप जाते हैं तो जो उनकी वैल्यू होती है प्राइस की, वो तो होती है, उसके साथ साथ वो PLC चार्ज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। आप जैसे कॉर्नर लेंगे तो आपको अलग PLC देनी पड़ती है, नॉर्थ फेसिंग लेंगे तो आपको अलग PLC देनी पड़ती है, ईस्ट में लेंगे तो आपको PLC देनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है प्रेफर्ड लोकेशंस के लिए। बट हीरो के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। फिलहाल जब तक इनकी लॉन्चिंग नहीं हो जाती तब तक ये PLCs वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये लॉन्चिंग बाद PLCs भी इंक्लूड कर देंगे। अगर आप अभी कॉर्नर लेते हैं तो कोई PLC आपको नहीं देनी पड़ती है। पार्क फेसिंग लेते हैं, अगर आप घर के पीछे पार्क आता है या घर के सामने पार्क आता है, तो कोई भी आपको PLC देने की ज़रूरत नहीं है। आप ईस्ट में ले लो, नॉर्थ में ले लो, कोई आपको PLC देने की ज़रूरत नहीं है। बट लॉन्चिंग के बाद ये सारे इंक्लूड हो जाएगा, तो ये भी आपका सबसे अच्छा बेनिफिट रहने वाला है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। और इसका जो अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो बहुत ही अच्छा पेमेंट प्लान उन्होंने निकाला है कि पूरे सोनीपत में शायद ही कोई बिल्डर होगा जिसका ऐसा पेमेंट प्लान हो। इसका जो पेमेंट प्लान है वो 25-75 का पेमेंट प्लान है। सिर्फ आपसे 25% की डिमांड आ रही है। 5 लाख से आप बुकिंग करा सकते हैं। विद इन 1 मंथ आपको 25% पेमेंट क्लियर करनी है। इसमें आपके पहले के बुकिंग अमाउंट 5 लाख जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी 75% पेमेंट जो है वो आपको ऑन पोजेशन पे करनी है। 18 महीने में इसकी पोजेशन दे रहे हैं और 18 महीने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। तो 25-75 का ये पेमेंट प्लान बनता है। शायद ही कोई बिल्डर होगा यहाँ पर जो इतना अच्छा पेमेंट प्लान दे रहा हो। मेरी नज़र में तो कोई बिल्डर है नहीं जो ऐसा इतना अच्छा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे। बाकी ये जहाँ हीरो के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको लगता है कि क्यों आपको सोनीपत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, आखिर क्या सोनीपत के अंदर खास आ रहा है, एंड नोएडा गुड़गांव में इन्वेस्ट ना करके इस टाइम पे सोनीपत में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है, तो आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत है।
सोनीपत के अंदर आपने देखा होगा इस टाइम पे मारुति की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि मारुति अपना 800 एकड़ का प्लांट लगा रही है, ईवी का प्लांट लगा रही है। तो ये बात सच है कि मारुति अपना 800 एकड़ का ईवी का प्लांट लगा रही है आईएमटी खरकोदा के अंदर, और वहाँ पे काम चालू हो चुका है। 2025 में आपको वहाँ से गाड़ियाँ बनती हुई बाहर निकलती हुई दिखेंगी। इसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अपना 100 एकड़ का प्लांट, और सुजुकी मोटर्स जो है वो अपना 125 एकड़ का प्लांट लगा रही हैं आईएमटी खरकोदा के अंदर। तो खरकोदा के बाद रेजिडेंशियल जो है वो जब आप इधर साइड आएंगे तो 18 से 20 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, वो सेक्टर 33 और सेक्टर 34 ही आती हैं जो रेजिडेंशियल जोन है। तो ये सबसे पहली डिमांड रहेगी अगर रेजिडेंशियल के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो। इस वजह से इस एरिया के रेट्स काफ़ी हाई हो रखे हैं, और यहीं पर ही जो है बड़े बड़े बिल्डर्स आए हैं, चाहे वो एल्डिगो हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे हीरो हो, सेक्टर 33 और 34 में ही आए हैं, क्योंकि सबसे मेजर जो है वो यही जोन्स हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स के कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अपना रैपिड रेल जो सराय काले खां से लेके पानीपत तक एक्सटेंड हो रही है, और इसके साथ साथ रिठाला वाली जो लाइन है अपनी दिल्ली की जो रेड लाइन है वो नरेला होते हुए नाथूपुरा सोनीपत तक एक्सटेंड हो रही है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इसके साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सोनीपत के अंदर आ रहे हैं, जैसे अपना वंदे भारत के कोचेज जो हैं वो अपना इंडियन रेलवे 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वंदे भारत के कोचेज जो हैं वो सोनीपत के अंदर बनेंगे। तो ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं सोनीपत के अंदर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से यहाँ के रेट्स काफ़ी हाई हो रहे हैं और अभी तो होने बाकी हैं। तो ये था कुछ जानकारी जो मैंने सोनीपत के बारे में दे दी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, और अगर आप इसके रेट जानना चाहते हैं कि हीरो ग्रुप क्या रेट लेकर आया है, तो दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फटाफट अपनी एक यूनिट बुक कराइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। जय श्री राम।